सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी भोपाल दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा है कि पिछले 8 सालों में देश के आम लोगों की संपत्ति घटी है, देश की संपत्ति की लूट मची हुई है, बीजेपी के नेता अमीर हो गए हैं, कोरोना से लोगों की हालत खराब हुई है। महासचिव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है, जिससे सांप्रदायिकता और हिंसा बढ़ेगी। उन्होंने बीजेपी को पराजित करने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन भी किया, साथ ही कहा है कि सीपीएम का सिर्फ एक लक्ष्य है, देश को बचाना और बीजेपी को हराना है। ये है प्राथमिक उद्देश्य हमारी, तो इसलिए इन सभी प्रांतों में जो मुख्य जो हकीकत हम समझते हैं कि जो भाजपा को पराजित कर सकता है इन चुनाव में, उनको उनका सहयोग देंगे हम और वामपंथी ताकतें बाकी वामपंथी पार्टियों से भी चर्चा में है सामूहिक तरीके से हमारी राजनीति होगी इन चुनाव में इस उद्देश्य से कि भाजपा को हराना। और उसके लिए जो गैर भाजपा वोटों के बीच में बंटवारा ना हो, उस बंटवारा को कम से कम मतलब करने के लिए हमारी पार्टी की पूरी प्रयास रहेगी और उस तरीके से गठबंधनें बनेंगी। जो राजनीतिक फोर्स है जो वहां पर भाजपा को टक्कर दे रही है वो है समाजवादी पार्टी, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी की समर्थन करेगी। बाकी वामपंथी पार्टियों से भी हम संपर्क में हैं कि किस तरीके से सीटों का तालमेल होगा, लेकिन ये सब बातें वहां की ठोस परिस्थितियों के आधार पर वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ये है हमारी डायरेक्शन।